हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। टाइटल देख के तो आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। जी हाँ, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ लोग कैसे सफ़र करते हैं और गवर्नमेंट ने क्या क्या फैसिलिटीज़ दी हुई हैं लोगों को। वीडियो शुरू होने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। यार, तो अभी मैं करतबा चौक पे हूँ, मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ सामने से टिकट लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि मेट्रो बस कैसी है। यार, तो ये है टोकन जो आगे स्कैन होगा और इसका किराया 30 रुपये है। यहाँ पे टोकन स्कैन करते हैं और फिर आगे चलते हैं। यार, मेट्रो स्टेशन जितने भी हैं उनके प्रॉपर टर्मिनल बने हुए हैं और इन बसेस के रूट्स भी बिल्कुल अलग हैं ताकि ट्रैफिक में इशू ना हो। यार, तो ये है मेट्रो बस, काफ़ी बड़ी है और इसमें रश भी बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी लोग इसमें रोज आते जाते हैं। अभी अंदर बैठते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसी है। ये सामने स्क्रीन लगी है जिस पे बस की स्पीड और स्टॉप वगैरह लिखे होते हैं। यार, तो ये अनारकली स्टेशन है, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन है, जो सबसे बड़ा स्टेशन है ये और काफ़ी अच्छा भी है। सो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये सामने टिकट काउंटर है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है। पहले इसका 40 किराया होता था लेकिन अब 20 से 40 के दरमियान है किलोमीटर के हिसाब से। और ये मशीन भी हैं जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे टिकट कीपर भी होता है, अगर आप चाहें तो खुद भी निकाल सकते हैं। ये टोकन है इसका, ये यहाँ पे स्कैन करके और अंदर चलते हैं। यार, बहुत ही ज़बरदस्त बनाया हुआ, बिल्कुल आपको एयरपोर्ट की वाइब फील होती है यहाँ पे। काफ़ी अच्छे हैं और इन लाइन के जितने भी टर्मिनल हैं, स्टॉप हैं, सब भी अच्छे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे सफाई अच्छी लगती है, आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल नज़र आएगा हर जगह पे। यहाँ से सामने से ट्रेन आती है और ये स्क्रीन भी लगी होती है कि ट्रेन कितने टाइम में आ रही है। यहाँ पे लोग आके खड़े होते हैं और सामने से ट्रेन आती है। हाँ जी, तो सामने से ट्रेन आ रही है, ट्रेन आती है तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेन बनी है जो कि चाइना से इंपोर्ट हुई थी, चाइना वालों के साथ ही ये प्रोजेक्ट हुआ था। और ये 2020 में ही ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह किया था, अक्टूबर में शुरू हो गई थी ये। यार, तो हम ट्रेन में अंदर आ गए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है, साफ़ सुथरी ट्रेन है। और टोटल 26 स्टॉप हैं इस ट्रेन के, जो ये नाम भी आप देख सकते हैं लिखे हुए। और आप अंदर से ही बैठ के पूरे लाहौर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और टोटल 27 ट्रेनें हैं जो इस ट्रैक पे चलती हैं। और ट्रेन में हर जगह आपको ऐसी स्क्रीन नज़र आएंगी जिस पर एडवर्टाइजमेंट चलती है और अगले स्टॉप की इंफॉर्मेशन भी होती है। यार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है क्योंकि लास्ट स्टॉप है, तो यहाँ से लोग काफ़ी ज़्यादा जाते हैं
और ये पाकिस्तान की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन है। वैसे ट्रेन में कैपेसिटी 250 लोगों की है, लेकिन यहाँ पे 400-500 लोग चढ़ जाते हैं। यार आप लाइन चेक करें कि इतनी लंबी लाइन है टिकट के लिए। ये अली टाउन से डेरा गुजरा तक जाती है, मतलब लाहौर के एक छेड़े से दूसरे छेड़े तक। और एग्जिट होने के लिए ये कॉइन इंसर्ट करके फिर आप बाहर जाते हैं। वैसे सिंगापुर का दुनिया में सबसे बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और लक्समबर्ग दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जिसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है। यार ये स्पीडो बस का स्टॉप है जो तकरीबन अंदरूनी शहर में ही चलती है। ये है स्पीडो जो सामने से आ रही है। यार स्पीडो की टिकट या टोकन नहीं होती, बस कंडक्टर होता है जो सबसे किराया लेता है, और इसका 20 रुपये किराया है। और बस में रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट होती रहती है स्टॉप वगैरह की इंफॉर्मेशन के हवाले से। तकरीबन 15 डिफरेंट रूट्स पे ये चलती है स्पीडो बस, और ये आरे बाजार है जो काफ़ी बसेस का यहाँ पे लास्ट स्टॉप है। लाहौर का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो एयर कंडीशन है, जिससे लोगों को गर्मी में काफ़ी फ़ायदा होता है। यार बस बिल्कुल खाली है, तो मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ कि स्पीडो कैसी है। ये आगे से लेडीज सीट है। इसमें ऊपर हैंडल भी लगे हैं, जो कि रश की वजह से लोग खड़े होते हैं तो उनके लिए ये लगाए गए हैं। और ये माजूर लोगों के लिए भी यहाँ पे सीट्स बनाई गई हैं ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। स्पीडो का किराया तो 20 है, लेकिन जिनके पास कार्ड होता है तो वो कार्ड स्कैन करते हैं तो उनका 15 रुपये कटता है। मोस्टली जो ज़्यादातर सफ़र करने वाले होते हैं उनके पास कार्ड ही होता है। और स्पीडो का ये रूट में भी लगा है कि कौन सी बस कहाँ से जाती है। और ये कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी होती हैं, और पता है आपको पाकिस्तानी लोग जिस चीज़ पे मना हो उसी पे जोर देते हैं। आई होप आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।